करोड़ की ही है, जबकि देश की जनसंख्या 120 करोड़ है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की दवाएं बहुत महंगी होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर जो जांच करानी पड़ती है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब बहुत महंगा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन कराना बहुत महंगा है, छोटे छोटे ऑपरेशंस में लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक ऑपरेशन हम करा लें, एंजियोप्लास्टी, ये हृदय के लिए किया जाता है, हार्ट का ऑपरेशन है, इसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। एक सामान्य सा ऑपरेशन होता है एंजियोप्लास्टी, उसमें 1.5 से 2 लाख का खर्चा है। अगर किसी के पेट में दर्द है और एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराना है, 15 से 20 हज़ार का खर्चा है। हमारे देश में छोटे मोटे ऑपरेशन का खर्च भी हजारों रुपए, तो गरीब आदमी तो वो संभव नहीं है कि करा पाए, क्योंकि भारत में 84 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 84 करोड़ भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए भी नहीं होते। अब जिन लोगों के पास एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, वो कोई इलाज नहीं करा सकते। इसका माने ये है कि 84 करोड़ लोग तो बिना दवा के ही और बिना इलाज के ही तड़पते हैं इस देश में, और तड़प तड़प के मरते हैं। हर साल लाखों लोग बिना इलाज और बिना दवा के मरते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में क्या करना चाहिए, तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इस स्थिति का समाधान करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए ये अभियान शुरू किया है कि हर भारतवासी को हम योग सिखा दें, प्राणायाम सिखा दें, क्योंकि योग प्राणायाम करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, और आयुर्वेद की कुछ ऐसी दवाएं बता दें जो सस्ती हैं और अपने घर में ही कोई उनका इस्तेमाल कर सके। तो योग प्राणायाम और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में इसी उद्देश्य के लिए शुरू किया है। इस अभियान में 2,50,000 योग शिक्षक हैं जो संपूर्ण भारत देश में हर दिन योग कक्षाएं लगाते हैं। आपके शक्ति में भी हमारी योग कक्षा लगती है, ऐसे ही भारत में 1,00,000 स्थानों पर हर दिन योग कक्षा हमारी लगती है, और इसमें करीब 2.5 लाख योग शिक्षक हैं जो हर दिन लोगों को योग प्राणायाम सिखाते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हर दिन आस्था चैनल पर सवेरे 5 बजे से 7:30 बजे तक योग प्राणायाम का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और इसके माध्यम से भी करोड़ों भारतवासी देखकर सीखते हैं। भारत में ही नहीं, अब भारत के बाहर जो प्राणायाम और योग से ठीक होते हैं, जैसे डायबिटीज़ नाम की बीमारी है, ये अंग्रेजी एलोपैथी में कभी भी ठीक नहीं होती, जिंदगी भर आप इंसुलिन खाओगे तो भी ठीक नहीं होगी। इस बीमारी को ठीक होने के लिए एकमात्र उपाय है प्राणायाम, योग और आयुर्वेद। ऐसे ही आयुर्वेद में कई बीमारियां जो बहुत आसानी से ठीक होती हैं, एलोपैथी में होती ही नहीं वो ठीक। मैं लिखने के लिए इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि हम सुना हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जब तक मैं बोलूँगा आप जो हैं याद कर पाएंगे, और थोड़ी देर बाद जब मैं चला जाऊँगा आप भूल जाएंगे उसे। आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में वो टेप रिकॉर्ड करने की सुविधा है तो टेप कर लीजिए। ये बहुत काम की बातें हैं जो मैं अब आपसे करूँगा। मैं आपको बीमारियाँ कैसे, और बहुत दुखी हो जाएंगे आप अगर लगातार इंसुलिन ले रहे हैं ना, तो किसी दिन भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम हार्ट फेल कहते हैं। इसमें आदमी 1 मिनट में मर जाता है, कोई मौका नहीं मिलता इलाज करने का।
और इंसुलिन लेने वालों को मैक्सिमम कार्डियक अरेस्ट होते हैं, क्योंकि इंसुलिन बहुत खतरनाक प्रभावी है। इसी प्राणायाम को कहते हैं भस्त्रिका। 5 मिनट इसको करना है रोज, 5 मिनट से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 मिनट। जो डायबिटीज़ ये कपालभाति प्राणायाम आधे घंटे करना है लगातार, थक जाए तो थोड़ा बंद कर दीजिए फिर दोबारा शुरू कर दीजिए, आधा घंटे ये कपालभाति कर लीजिए। ये शुगर के डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत अच्छा है। और तीसरा प्राणायाम जो आपको करना है उसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद कर दीजिए, और दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करें और बाईं नाक से पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए। दाहिना अंगूठा दाहिनी नाक पे रख के बंद करना, बाईं नाक से सांस को निकालना, फिर बाईं नाक से सांस को भरना और दाहिनी नाक से निकालना, फिर दाहिनी नाक से सांस को भरना और बाईं नाक से निकालना, फिर बाईं नाक से भरना और दाहिने से निकालना। यही क्रिया अनुलोम विलोम कहलाती है। इसको आधे घंटे करना है, तो 5 मिनट करना है भस्त्रिका, आधा घंटे करना है कपालभाति, आधा घंटे करना है अनुलोम विलोम। 3 प्राणायाम रोज करने हैं लगभग 1 घंटे तक, और ये सुबह करने हैं खाली पेट। तो इससे आपकी जो शुगर है और डायबिटीज़ है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा, कोई अंग्रेजी दवा नहीं खानी पड़ेगी। बिना इंसुलिन लिए बिना अंग्रेजी दवाएं खाए आप 1.5-2 महीने में डायबिटीज़ की बीमारी से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत प्रभावी क्रिया है डायबिटीज़ की बीमारी के, और लाखों करोड़ों भारतवासियों को पिछले 10 वर्षों में परम पूजनीय स्वामी जी ने इस प्राणायाम की मदद से बिल्कुल ठीक कर दिया है, डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। ऐसे ऐसे लोगों की शुगर ठीक हुई है जिनकी 600 यूनिट तक शुगर बढ़ जाती थी खून में, और 1.5-2 महीने के प्राणायाम करने से आज उनका शुगर लेवल 150 यूनिट तक आ गया, माने नॉर्मल हो गया लगभग। तो आप ये 3 प्राणायाम करिए। अब इसके साथ एक आयुर्वेद की दवा वो भी खाइए आप। वो एक दवा है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। आपके घर में आयुर्वेद की कई अच्छी दवाएं हैं, आप उनके बारे में ध्यान नहीं देते। हमारे घर में आयुर्वेद की सैकड़ों दवाएं आराम से मिल जाती हैं, बस एक बार हम उनको ध्यान दें और उसका उपयोग करें। 4 दवाएं हैं जो डायबिटीज़ में काम आती हैं। पहली दवा है, उसका नाम है मेथी का दाना। ये मेथी दाना 100 ग्राम ले लीजिए इसको, और धूप में सुखाकर इसको पत्थर पे पीसकर पाउडर बना लीजिए, 100 ग्राम मेथी का दाना। दूसरी एक दवा है तेज पत्ता। तेज पत्ता ये घर में है और गरम मसाले में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये 100 ग्राम ले लीजिए। इसको भी धूप में सुखाकर पत्थर में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए, 100 ग्राम मेथी दाना 100 ग्राम तेज पत्ता। और एक तीसरी दवा है जामुन का बीज। जामुन का जो फल होता है जो अक्सर हम खाते हैं, उसका जो बीज निकलता है इसे फेंकना नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। जामुन के बीज को हमेशा धूप में सुखाकर पत्थर में पीसकर पाउडर बनाकर रखिए। ये लेना है 150 ग्राम। 150 ग्राम लेना है जामुन का बीज, 100 ग्राम लेना है मेथी दाना, 100 ग्राम लेना है तेज पत्ता। तीनों को पीस लीजिए, पाउडर बन गया।
और एक चौथी दवा है बेलपत्र। बेलपत्र जो शंकर भगवान को हम अर्पित करते हैं वो बेलपत्र लेना है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम लेना है बेलपत्र, 150 ग्राम लेना है जामुन का बीज, 100 ग्राम लेना है तेज पत्ता और 100 ग्राम लेना है मेथी का दाना। ये चारों को पीस दीजिए, पीस के बन जाएगा पाउडर और आपस में इसको मिला दीजिए। ये डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवा है जो अपने घर में आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? ये दवा जो मिलाई के बना दी आपने चारों पाउडर को, इसका एक चम्मच सुबह लेना है गर्म पानी से और एक चम्मच शाम को लेना है गर्म पानी से। और ये हमेशा लेना है खाना खाने के एक घंटे पहले। अगर आप नाश्ता करते हैं तो उससे एक घंटे पहले सुबह लेना, शाम को खाना खाते हैं उससे एक घंटे पहले शाम को लेना, और एक एक चम्मच लेना है बस, और गर्म पानी से लेना। तो ये दवा आप साथ में ले लीजिए और तीनों प्राणायाम कर लीजिए तो आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1.5-2 महीना ही लगेगा और हमेशा के लिए आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको मेरा निवेदन है कि इस दवा को शुरू करने के साथ इंसुलिन को धीरे धीरे बंद कर दें। पहले इंसुलिन की मात्रा आधी कर दें, फिर आधे से आधी कर दें, फिर उससे भी आधी कर दें और थोड़े दिन में बंद कर दें। और ये दवा लेते हुए प्राणायाम करते रहें तो 1.5-2 महीने में आपकी शुगर बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। एक छोटी सी इसमें मुझे आपसे और बात कहनी है, वो सावधानी की बात कहनी है कि इस दवा को लेते हुए और प्राणायाम करते हुए आप चीनी खाना बंद कर दें। डायबिटीज के मरीज को सबसे बड़ा अगर कोई जहर है तो वो चीनी है, शुगर। ये चीनी आप ना खाएं। जब भी आप इस डायबिटीज का इलाज करेंगे तो चीनी बिल्कुल बंद कर दें। चाय में चीनी ना लें, दूध में चीनी ना लें, दही में चीनी ना लें, सब जगह चीनी बंद करें। आप बोलेंगे जी क्यों? ये चीनी जो है ना, इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आपके शरीर को लाभ करे, फायदा दे। चीनी में किसी भी तरह का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है कोई। चीनी में ना तो कैल्शियम है, ना तो चीनी में आयरन है, ना तो चीनी में मैग्नीशियम है, ना चीनी में मैग्नीज है, ना चीनी में कोई विटामिन है, ना विटामिन ए है इसमें, ना विटामिन बी है, ना विटामिन सी है, ना विटामिन डी है, ना इस चीनी में प्रोटीन है कोई, ना इस चीनी में आपके शरीर के काम आने वाली कोई चीज नहीं। तो आप बोलेंगे चीनी में क्या है? बस चीनी में मीठापन है, स्वीटनेस है, बस और कुछ नहीं। और दुर्भाग्य से जो मीठापन है चीनी में, ये आपके काम का नहीं है। दुनिया में दो तरह के मीठेपन होते हैं या दो तरह की मिठाई है। एक तो वो जिसको भगवान ने बनाया, जैसे केले में मीठापन है, जैसे आम में मीठापन है, अंगूर में मीठापन है, संतरे में मीठापन है, खजूर में मीठापन है, गन्ने के रस में मीठापन है। ये सब ईश्वर का बनाया हुआ, प्रकृति ने बनाया। ये जो मीठापन होता है जिसको प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, इसको विज्ञान की भाषा में फ्रक्टोज कहते हैं। और ये जो फ्रक्टोज वाला मीठापन है, यही शरीर को हजम हो पाता है, यही शरीर में पचन हो पाता है जो ईश्वर ने बनाया। और ये जो चीनी का मीठापन है, ये आदमी ने बनाया। और ये आदमी का बनाया हुआ जो चीनी का मीठापन है, ये हजम नहीं होता। आप चीनी जितनी भी खाते हैं ये कभी भी हजम नहीं होती। तो आप बोलेंगे ये क्या करती है?
ये चीनी हमारे शरीर में जाकर